अजय अपनी आने वाली फिल्म को लेकर खूब चर्चा बटोर रहे हैं। उनकी फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया शुक्रवार शाम को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। अजय देवगन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कैसे उनकी फैमिली ने साथ में भुज को देखा और इस फिल्म को एंजॉय किया। पिता अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया पर बेटी न्यासा देवगन का रिएक्शन भी सामने आया है। अगर आपने हमारा चैनल NN बॉलीवुड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही आपको साइड में दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। खबर को आगे बढ़ाते हुए बता दें कि अजय देवगन ने बेटी न्यासा के रिएक्शन के बारे में बताते हुए कहा, मैंने परिवार के साथ ये फिल्म देखी, कभी उम्मीद नहीं थी कि सब साथ में इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। सभी ने इस फिल्म को पसंद किया है। न्यासा बहुत क्रिटिकल है, उन्हें मेरी ज्यादातर फिल्में पसंद नहीं आती हैं। इसलिए जब न्यासा ने ये फिल्म देखी और उन्हें ये पसंद आई तो मुझे बहुत खुशी हुई। न्यासा ने बताया कि ये बहुत जानकारी देने वाली है, ये सीधी स्पष्ट कहानी है, इसमें एक सीन भी ऐसा नहीं है जो कि फालतू हो। अजय देवगन ने बताया कि फिल्म में कोई गाना नहीं है। आजकल के बच्चे हॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं, इन फिल्मों में गाने नहीं होते हैं, ऐसे ही हमने भी फिल्म में गाना नहीं रखा है। हाल में ही भुज फिल्म की स्क्रीनिंग में अजय देवगन के साथ बेटी न्यासा, पत्नी काजोल और बेटे युग को देखा गया था। बता दें अजय देवगन के अलावा भुज में नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा और संजय दत्त समेत कई स्टार्स शामिल हैं। एक इंटरव्यू में अजय देवगन ने भुज को ओटीटी पर रिलीज किए जाने के फैसले पर भी खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों सिनेमा के बजाय ओटीटी पर भुज द प्राइड ऑफ इंडिया को रिलीज किया। अजय देवगन ने कहा कि आजकल कोरोना के चलते कुछ भी कंफर्म नहीं है, थिएटर्स कभी खुल रहे हैं कभी बंद हो रहे हैं, महाराष्ट्र में अभी भी सिनेमाघर बंद है, ऐसे में हमने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और ओटीटी का ही फैसला जारी रखा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।